हेलो गाइस, मैं हूं पोकेसेंसे और आज के वीडियो में बात करने वाला हूं टॉप 10 हार्डेस्ट पोकेमोन टू इवॉल्व के बारे में। मैं 10 ऐसे पोकेमोन के बारे में बात करने वाला हूं जिनको इवॉल्व करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। तो जो लिस्ट है मैंने काफी ज्यादा रिसर्च करने के बाद बनाई है। तो अगर आप लोग को ये वीडियो या ऐसे कंटेंट पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना। तो बिना किसी और बातचीत के साथ चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब नंबर 10 पे हमारे लिस्ट पे जो पोकेमोन आता है वो है मैजिकार्प। तो वैसे तो मैजिकार्प को इवॉल्व करने के लिए सिर्फ 20 लेवल आपको लेवल अप करने पड़ेंगे, लेकिन वो 20 लेवल अप करने में भी आपको काफी प्रॉब्लम होने वाली है क्योंकि मैजिकार्प सिर्फ एक ही मूव सीख सकता है, वो है स्प्लैश। रिसेंट कुछ गेम्स में एक्सपी शेयर काफी जल्दी अवेलेबल हो जाता है, इसलिए मैजिकार्प को गैराडोस बनाना इतना बड़ा कोई स्ट्रगल नहीं है। बट अगर पुराने दिनों की बात की जाए, जब पोकेमॉन फायर रेड या एक्स वाई से पहले की बात, तो तब एक्सपी शेयर भी काफी लेट मिलता था और मैजिकार्प को 20 लेवल तक करना बहुत ही डिफिकल्ट था। इसलिए मेरे हिसाब से मैजिकार्प इस लिस्ट में नंबर 10 की स्पॉट डिजर्व करता है। नंबर 9 पे जो हमारी लिस्ट पे पोकेमोन आता है वो है स्लीगू। स्लीगू जो है वो इवॉल्व होता है गुडरा में और ये एक कालो सीजन का पोकेमोन है। इसे इवॉल्व करने के लिए आपको इसको 50 लेवल पर लेके जाना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ इसको 50 लेवल पे लेके जाना ही बड़ी बात नहीं है क्योंकि 50 लेवल पे लेके जाने के बाद भी आपको इसे एक रेनी एनवायरमेंट पे लेके जाना पड़ेगा अगर इसको आपको स्लीगू से गुडरा बनाना है। तो ये जो एनवायरमेंट वाली चीज है ये इसे काफी ज्यादा डिफिकल्ट बनाती है इवॉल्व करने के लिए। इसलिए मेरे हिसाब से स्लीगू इस लिस्ट में नंबर 9 की स्पॉट डिजर्व करता है। नंबर 8 पे जो पोकेमॉन आता है वो है फीबस। अब फीबस जो है वो एक्चुअली होइन रीजन का मैजिक आप ऐसा समझ लो, क्योंकि उसका भी इवोल्यूशन एकदम स्ट्रांग माइलोटिक है। पर फीबस को सिर्फ इवॉल्व करना ही डिफिकल्ट नहीं है, फीबस को ढूंढना भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। ये इनफैक्ट मोस्ट रेयरेस्ट पोकेमॉन में से एक है और अगर आपको ये कैसे तो मिल भी जाता है तो इसको इवॉल्व करने के लिए आपको इसकी ब्यूटी को बूस्ट करना पड़ेगा, जो करने के लिए पुराने गेम्स में तो बहुत ही ज्यादा मेहनत या झंझट लगती थी, लेकिन अभी आप इसको प्रिज्म स्केल देके काफी आसानी से इवॉल्व कर सकते हो। पर तभी भी इसे इवॉल्व करना और इसे ढूंढना दोनों काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, इसलिए मेरे हिसाब से फीबिस इस लिस्ट में नंबर 8 की स्पॉट डिजर्व करता है। नंबर 7 पे जो हमारी लिस्ट पे पोकेमॉन आता है वो है लेवटार। लेवटार जोटो रीजन का सुडो लेजेंडरी पोकेमॉन है और लेवटार का जो इवोल्यूशन है टायरेनटार वो वन ऑफ द मोस्ट कूलेस्ट पोकेमॉन में से एक है, लेकिन ये कूलेस्ट पोकेमॉन तक पहुंचने के लिए आपको काफी पापड़ बेलने पड़ेंगे। अब इस पोकेमॉन को इवॉल्व करने के लिए कोई कंडीशन तो नहीं लगती है, लेकिन इसे इवॉल्व करने के लिए जो आपको मेहनत करनी पड़ेगी इसको लेवल अप करने में वो काफी ज्यादा है। आपको अपने लेवटार को अगर टायरेनटार बनाना है तो उसे आपको लेवल 55 तक लेके जाना पड़ेगा और इसलिए मेरे हिसाब से लेवटार इस लिस्ट में नंबर 7 पे होना चाहिए। नंबर 6 पे जो पोकेमॉन आता है वो लेवल अप के कंसेप्ट को एक अलग ही लेवल पे लेके चला गया और वो पोकेमॉन है डीनो। जी हाँ, डीनो एक यूनोवा रीजन का पोकेमॉन है, एक सूडो लेजेंडरी ड्रैगन डार्क टाइप पोकेमॉन जो कि आपको गेम में लेट, एकदम लेट भी नहीं मिलेगा बट आपको काफी जल्दी भी नहीं मिलेगा। तो अगर आपको इसके सेकेंड इवोल्यूशन ज्वेलस तक पहुंचना है तो आपको इसको 50 लेवल का करना पड़ेगा। जी हाँ, सही सुना आपने, 50 लेवल तक पहुंचने के बाद ही अपना सेकेंड इवोल्यूशन पे आएगा और अगर आपको इसको हाइड्रैगन बनाना है तो आपको इसको 64 लेवल तक लेके जाना पड़ेगा, जो कि लिटरली ऑलमोस्ट 64 लेवल पे लोगों का गेम खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये पोकेमॉन को इवॉल्व करना है तो आपको काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा लेवल अप करने में। नंबर 5 पे जो हमारी लिस्ट पे पोकेमॉन आता है वो है टायरोग। टायरोग जो है वो प्री इवोल्यूशन है हिटमॉनली हिटमॉनचैन और हिटमॉनटॉप का। अगर आपको इसे हिटमॉनली हिटमॉनचैन या हिटमॉनटॉप पे इवॉल्व करना है तो आपको पहले तो इसे 20 लेवल का करना पड़ेगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पर जो वजह इसको डिफिकल्ट इवॉल्व करने में बनाती है वो है इसकी कंडीशंस। अगर आपको इसे हिटमॉन चैन में इवॉल्व करना है तो आपको इसका डिफेंस बढ़ाना पड़ेगा और तब इसको इवॉल्व करना पड़ेगा। अगर आपने इसका अटैक बढ़ाया तो आप इसको हिटमॉन ली पे इवॉल्व कर दोगे और अगर आपने दोनों अटैक और डिफेंस को बैलेंस रखा है तो ये बनेगा हिटमॉन टॉप। अब यही कुछ वजह है जो इसे डिफिकल्ट टू इवॉल्व बनाती है। नंबर 4 पे जो पोकेमॉन हमारे इस लिस्ट पे आता है वो है मेलसरी। मेलसरी एक गैलर रीजन का पोकेमॉन है। अब ये पोकेमॉन तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, लेकिन जो चीज इसे बहुत डिफिकल्ट बनाती है वो है कि इसके 63 इवोल्यूशन है और ये 63 इवोल्यूशन के लिए अगर आपको जाना है, अगर आपको इनमें से कोई एक स्पेसिफिक इवोल्यूशन ऐसा है जो आपको इवॉल्व करना है तो वो आपके लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि हर एक इवोल्यूशन के लिए एक परफेक्ट एनवायरमेंट और एक परफेक्ट जगह टाइम ये सब होना जरूरी है, जो कि मैच कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। इसलिए मेरे हिसाब से ये पोकेमॉन नंबर 4 पे होना चाहिए इस लिस्ट में। अब नंबर 3 पे दो पोकेमॉन आते हैं हमारे इस लिस्ट में। अब ये दो पोकेमॉन को मैंने साथ में क्यों रखा है इसको मैं पूरी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। नंबर 3 पे जो पोकेमॉन आते हैं वो है कैराब्लास्ट और शेलमेट।
तो ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी इवोल्यूशन होते हैं वो कुछ नई चीज़ नहीं है पोकेमोन में, बहुत पहले से होते आ रही है और सेम इन पोकेमोन के लिए भी ऐसा ही है, हमें ट्रेड करना पड़ता है। लेकिन इनके ट्रेडिंग पे एक स्पेसिफिक कंडीशन है जो कि इन्हें काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट बनाती है इवॉल्व करने के लिए, और वो कंडीशन है कि आपको इन दोनों को एक दूसरे के साथ ट्रेड करना पड़ेगा। यानी कि अगर ये दोनों एक दूसरे के सिवाय किसी और पोकेमोन से ट्रेड होते हैं तो ये इवॉल्व नहीं होंगे। यही मेरे हिसाब से इनको काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट बनाते हैं इवॉल्व करने के लिए। अब नंबर 2 पे जो पोकेमोन आता है वो भी गैलर रीजन का पोकेमोन है और उस पोकेमोन का नाम है कुफू। कुफू एक फाइटिंग टाइप लेजेंडरी पोकेमोन है जिसे पाने के लिए आपको स्वॉर्ड एंड शील्ड का एक्सपांशन पास लेना पड़ेगा। अब एक बार ये पास ले लिया आप लोग ने तो आपको ये पोकेमोन मिल जाएगा। अगर ये पोकेमोन को आपको इवॉल्व करना है तो इसको इवॉल्व करने के लिए दो टेक्निक है क्योंकि इसके दो इवोल्यूशन है। अगर आपको कुफू को उशिफू सिंगल स्ट्राइक स्टाइल में इवॉल्व करना है तो आपको उसे टावर ऑफ डार्कनेस में लेके जाना पड़ेगा और वहां पे जितने भी ट्रेनर हैं उन सबको डिफीट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक स्क्रोल मिलेगा जिसका नाम होगा स्क्रोल ऑफ डार्कनेस। अगर आप वो अपने कुफू को दोगे तो वो इवॉल्व हो जाएगा उशिफू सिंगल स्ट्राइक स्टाइल में, और अगर आप उसे रैपिड स्ट्राइक स्टाइल में इवॉल्व करना चाहते हो तो आपको उसे लेके जाना पड़ेगा टावर ऑफ वाटर में, जहाँ पे आपको उसको स्क्रोल ऑफ वाटर पढ़ाना पड़ेगा या दिखाना पड़ेगा, जिसके बाद वो इवॉल्व होएगा उशिफू रैपिड स्टाइल स्ट्राइक पे। जी हाँ, इसको इवॉल्व करना इसलिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि आपको एक पूरे टावर पे जितने भी ट्रेनर हैं उनको हराना पड़ेगा और इनफैक्ट इसे पकड़ना भी काफ़ी मुश्किल है। यही वजह है जिस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ये पोकेमॉन इस लिस्ट में नंबर 2 की स्पॉट डिजर्व करता है। अब नंबर 1 पे जो हमारी लिस्ट पे पोकेमॉन आता है वो है गैलेरियन फारफेच। अब अगर आप इसको इवॉल्व करना चाहते हो तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि गैलेरियन फारफेच अगर आपको मिल भी गया तो आपको ऐसा गैलेरियन फारफेच पकड़ना है जिसके पास एक आइटम ऑलरेडी, मतलब वाइल्ड में जब आपने उसको पकड़ा तो उसके पास लीक आइटम होना ज़रूरी है। और हाँ, लीक याद रखना, लार्ज लीक भी रहता है बहुत के पास, वो नहीं इवॉल्व हो सकते, उसके पास लीक आइटम होना ज़रूरी है। और अगर उसके पास वो आइटम है तो उसके क्रिट मारने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो अगर आपको अपने फारफेच को, गैलेरियन फारफेच को इवॉल्व करना है तो आपको एक बैटल में 3 क्रिट मारने पड़ेंगे, तब जाके आपका फारफेच सरफेच में इवॉल्व होएगा। और एक सिंगल बैटल में 3 क्रिट मारना थोड़ा डिफिकल्ट काम है, और इनफैक्ट एक वाइल्ड में फारफेच पकड़ना जिसके पास लीक आइटम हो ये भी काफ़ी डिफिकल्ट है। इस वजह से मेरे हिसाब से ये पोकेमॉन नंबर 1 की स्पॉट डिजर्व करता है। तो ये थी मेरी लिस्ट गाइज। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट करना कि आपके लिए कौन से पोकेमोन को इवॉल्व करना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट रहा है। मैं ऐसे आता रहूँगा पोकेमोन कंटेंट्स के साथ, तो तब तक के लिए गुड बाय।